सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से और अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आगे बीजेपी की एक न चली। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि महाराष्ट्र के बाहुबली सिर्फ शरद पवार ही हैं। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगे जहां देश के एक से बढ़कर एक नेता अपने सियासी वजूद को बचाकर नहीं रख सके हैं, वहीं महाराष्ट्र की सियासत में इन दोनों नेताओं का सियासी जादू फीका पड़ गया है। यही नहीं, 78 वर्षीय शरद पवार ने दिल्ली बनाम महाराष्ट्र की सियासी लकीर खींच दी है। शरद पवार ने अपने सियासी दाव से कई मुश्किलों को आसान कर दिया है। भतीजे अजित पवार ने बीजेपी के साथ जाकर एनसीपी में अपनी पकड़ को कमजोर कर लिया है। ऐसे में अब शरद पवार अपना सियासी वारिस निर्विवाद रूप से सुप्रिया सुले को स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। साथ ही शरद पवार ने शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का श्रेय भी अपने नाम कर लिया है, क्योंकि पूरे सीन में वही नजर आ रहे थे। 80 घंटे के इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाले तो पता चलता है कि शरद पवार ने अपने सियासी हुनर का इस्तेमाल किया है। उन्होंने खामोशी से शिवसेना के कंधे पर हाथ रखा, इससे शिवसेना के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने बीजेपी से दशकों पुरानी दोस्ती तोड़ ली। शिवसेना ने महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ आने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन शरद पवार अपने आखिरी वक्त तक पत्ते नहीं खोल रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्यपाल को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी कांग्रेस एनसीपी व शिवसेना के बीच सियासी खिचड़ी पकती रही। कांग्रेस की ओर से भी शिवसेना के साथ शरद पवार ही बात करते थे। दोनों पार्टी के कुछ सीनियर लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उन लोगों की राय क्या है वो राय लेने के लिए प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से आगे के कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इस बारे में हम तय करेंगे। यही ये डिस्कशन का सबसे आउटकम है। इस बीच कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना सरकार बनाने का दावा राज्यपाल को पेश करती, उससे पहले ही बीजेपी ने शरद पवार के भतीजे अजित पवार को अपने साथ मिलाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। महाराष्ट्र में रातों रात राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला कर दिया। मुंबई के लोग सुबह सोकर भी नहीं उठ पाए थे कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली थी। बावजूद इसके शरद पवार ने पहले अजित पवार के साथ जाने वाले एनसीपी विधायकों को वापस लाने की कवायद शुरू की। इनमें धनंजय मुंडे भी शामिल थे। बीजेपी के कद्दावर दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे ने अपने खेमे में लौटने की वजह से इस सियासी खेल में सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। इस तरह शरद पवार ने शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सहित कुल 162 विधायकों को मुंबई के हयात होटल में एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन किया। इसके जरिए शरद पवार ने यह भी साबित करने का प्रयास किया कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के साथ नहीं बल्कि उनके साथ है। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट, घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज,